में चल चल मंगल तरु तरु पूरा ऊपर है कीर्तन में आ गया कैच ले जाओ ऐसा और पीछे कैच ले जाओ हट जाओ महाराज फिर सोच ले बोलो शनिदेव महाराज की भाई पूरे घर में समस्या है तो नहीं था आ गया हूं महाराज लेकिन मेरे सामने आ रहा है भाई पूरे घर में समस्या है तुम्हारे बता सारे सर्वाइव की समस्या है पूरे घर में समस्या है करवाई की समस्या है पेट में दिक्कत रहती है सर में दिक्कत रहती है समझ में आई ना मेरी बात उसके अलावा घर में बच्चे हैं नहीं है बच्चे की दिक्कत है बच्चे नहीं है मेरे सामने हाजिरी आ रही है कि बच्चे की हाजिरी भी लेके आयो कितने दिन हुए शादी को एक साल हुआ पेट में दिक्कत रहती है सर में भारीपन सा रहता है इनके सारे शरीर में कंपन सा रहता है पर घर में पूजा पाठ है देवी की भी पूजा पाठ है हनुमान जी की भी पूजा पाठ है पर उसके बावजूद बीमारी है आया ना महाराज ऐसा होता है नहीं होता और आज की समस्या नहीं कम से कम देख रहा हूँ तो 18 साल पुरानी दिक्कत है 2 साल से ज्यादा दिक्कत हो रखी है तुम्हारे घर में जगह जगह दिखा रखा है कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है इससे पहले कहाँ दिखाया है हाजिरी तो लगी हुई है किसी पंडित के यहाँ से हाजिरी लगी हुई है आपको ना पता आप इसके आदमी ना हो कौन हो माता इससे पहले कहाँ दिखाया था इससे पहले कहीं गए थे आप अंदर बाहर करके किसी पंडित के पास गए थे किसी मंदिर के पंडित के पास गए थे तुम्हारे घर के आसपास मंदिर है तुम्हारे घर के आसपास मंदिर है मंदिर से रास्ता निकलता है इधर की साइड से ऐसे घुसते के साथ इधर कॉलोनी में तुम्हारा घर सा दिखता है उस मंदिर के पुजारी के पास से पूछ के तो नहीं थे उन्होंने पितरों का दोस्तों नहीं बताया बताया था ना अब कैसे मना करो बोल दो शनिदेव महाराज आगे ने बात के पीछे पंडित ने बता रखा है शरीर में दर्द कष्ट बनते बता माता आया लेकिन ये चीज के बच्चे खत्म हो रखे हैं स्टार्टिंग में पहले तेरे खत्म हुए थे क्या क्योंकि बच्चे होने में दिक्कत सी थी ये बच्चा खत्म हो गया था किसके हुए थे तुम्हारे हुए थे एक बच्चा खत्म हुआ था दो पितर है पितरों की पूजा पाठ भी है सेवा भी है भक्ति भी है लेकिन वो पितर बंधित में है समझ में ना चक्कर आते भी पिलो सा रहता है सारा शरीर दुखता बता हाँ है ना सारा शरीर कमजोर सा रहता है सुबह से खत्म रहती है कमजोर रहने का मतलब वही होता है रात को डर भी लगता है जीव से सोपन आता है पर एक बात बताओ एक घर है थोड़ा सा अंदर घुसते हैं ठीक है ना इधर की साइड बैठक सी बना रखी है इधर की साइड रसोई सी बना रखी है बाहर की साइड से जीना जाता है समझ में ना बात बाहर की साइड से जीना जाता है ऊपर नीचे मकान पीछे की साइड में कमरा सा है इधर की साइड में फिर इधर रसोई सी है ये घर किसका है तुम्हारा है किसका है तुम्हारा साथ चलता होगा किसका है घर में घुसते ही इधर एक बैठक है पीछे कमरा बना रखे रसोई है बाहर से जीना जाता है ऐसा घर आ रहा है ये तुम्हारा है तुम्हारे देवर का है जेठ का है किसका है खुला मकान है आगे का खुला सा है इधर बैठे बना के पीछे कमरा इधर रसोई है फिर इधर से जीना जाता है ये तुम्हारे परिवार का घर है किसका घर है ये महाराज बड़े ध्यान से सुनो ये घर किसका है तुम्हारा ही है ना कि तुम्हारे घर के परिवार का है ये पुराना घर है तुम्हारा इसी घर से दिक्कतें चलती आ रही है तुम्हारे घर में समझ गए मेरी बात जिसे बोलते हैं पुराने टाइम से दिक्कत चलती आ रही है करवाया हुआ है जिसमें तुम्हारे पितर बंधवा रखे उसके साथ में दो प्रेत आपके घर में जो भेज रखे है समझ गए घर किसका है तुम्हारा इसी घर से दिक्कतें हैं जो परेशानी बना रही है अब ठीक करवाना है ओके करवाना है बोलो जय शनिदेव जाओ पवन पे जाओ भैया बताएंगे कितना